हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आई विल शेयर विथ यू वन परफ्यूम विच इज़ द ड्यूप ऑफ YSL Libre। सो दिस इज़ आइडियाज़ मरीना परफ्यूम एंड इट इज़ वेरी सिमिलर टू लिब्रे परफ्यूम एंड वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट इट। सो लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। बिफोर मूविंग ऑन प्लीज़ इट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो वट काइंड ऑफ वीडियोज़ यू वुड लाइक टू वॉच ऑन दिस चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो गाइज, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि मुझे पता किस तरह चला था कि ये लिब्रे का ड्यूप है। हुआ ये कि मैं डॉलमेन गई थी और मैंने लिब्रे का ओरिजिनल परफ्यूम ट्राई किया था फ्रॉम ब्यूटे, वो जो एक ओरिजिनल परफ्यूम्स का उन्होंने एक शॉप बनाई है। तो वहाँ से मैंने लिब्रे ट्राई किया एंड इट वाज़ ऑन माय हैंड एंड व्हेन आई वेंट टू आइडियाज़ एंड आई ट्राइड परफ्यूम्स। मैं जब भी जाती हूँ आइडियाज़ या कहीं भी तो मैं परफ्यूम ज़रूर ट्राई करती हूँ ना। तो मैंने जब ये परफ्यूम्स ट्राई किए तो मरीना वाज अपीयर टू बी वेरी सिमिलर टू YSL Libre। और मैंने वहीं खड़े खड़े जब उसकी नोट्स चेक की तो दे वर वेरी सिमिलर, और फिर इसीलिए मैंने इसको परचेज़ कर लिया। तो इसकी प्राइस है 3590 रुपीज़। और इसकी नोट्स मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे इस परफ्यूम के लिए आई थी कि YSL Libre का ड्यूप बताइए। सो हियर इज़ द ड्यूप फॉर YSL Libre। और जिन लोगों को लिब्रे पसंद है उन लोगों को डेफिनेटली ये ज़रूर ज़रूर पसंद आएगा। तो इसको अब बस मैं अनबॉक्स कर रही हूँ। इसकी पैकेजिंग इज़ क्वाइट नाइस, काफ़ी स्टर्डी बॉक्स है और बहुत क्यूट सी पैकेजिंग है, मार्बल जैसा इफेक्ट है, ब्लू कलर की है। अच्छा, इसमें ये जिस तरह का ब्लू कलर आ रहा है तो यही ब्लू कलर वैसे इसका है। और ये 100 ml की बॉटल है 3590 की, तो आई थिंक 3600 में नॉट बैड। और इसके इंग्रेडिएंट्स में सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स मेंशनड है, वाटर, अल्कोहल एंड फ्रेग्रेंस। सो अब इसको ओपन कर लेते हैं, इसकी जो बॉटल है उसको देख लेते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज़। सो गाइस, हियर इज़ द बॉटल ऑफ आइडियाज मरीना परफ्यूम। और इसकी नोट्स मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। इसकी टॉप नोट्स हैं मैंडरिन ऑरेंज, लेवेंडर और ब्लैक करंट। इसकी मिडिल नोट्स हैं जैस्मिन, ऑरेंज ब्लॉसम। एंड इसकी बेस नोट्स हैं वनीला, सेडर, एम्बरग्री एंड मस्क। और ये ओरिजिनल जो YSL Libre का परफ्यूम है उसकी भी मैं यहाँ पे नोट्स मेंशन कर दूँगी। इन दोनों में अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ एक माइनर सा डिफरेंस है, वो ये है कि YSL Libre में मिडिल नोट्स में भी लेवेंडर लिस्टेड है, जबकि जो ये आइडियाज़ वाला मरीना है इसमें मिडिल नोट्स में लेवेंडर नहीं है। बाकी सारी की सारी नोट्स ऑलमोस्ट बल्कि एग्जैक्टली सेम हैं। और दे परफ्यूम है ये, तो इसकी लास्टिंग की अगर मैं बताऊं तो इसकी लास्टिंग रहती है तकरीबन 6 से 7 घंटे, बल्कि 5 से 6 घंटे समझ लें, 6 से 7 घंटे में इसकी काफ़ी लास्टिंग ख़त्म हो जाती है। तो और इसकी प्रोजेक्शन कुछ इतनी ज़्यादा नहीं है, यानी कि अगर आपने परफ्यूम लगाया हुआ होता तो इतना ज़्यादा आगे तक प्रोजेक्ट नहीं करता, लाइक बहुत सारे लोगों तक इसकी खुशबू नहीं जा रही होती है। और क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा परफ्यूम है तो इसलिए इसकी जो परफ्यूम की खुशबू है वो इतनी ज़्यादा लोगों तक नहीं जाती। अच्छा, इसके नोज़ल के ऊपर थोड़ा सा परफ्यूम लगा हुआ था तो वो मैंने साफ़ किया, इट वाज लीकिंग और समथिंग, तो आई होप कि इट्स ओके। अच्छा गाइस, आई थिंक अब इसको स्प्रे करके देख लेते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टू मी दिस परफ्यूम इज़ टू गुड। मुझे इस परफ्यूम की स्मेल काफ़ी पसंद आई है, मुझे लेवेंडर परफ्यूम्स में बहुत ज़्यादा वैसे भी पसंद ही है। और इट्स अ वार्म सॉफ्ट परफ्यूम और इट इज़ वेरी सिमिलर टू खादी का लव परफ्यूम, जो कि मैंने रिव्यू किया हुआ है अपने इसी चैनल के ऊपर और वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। और मुझे वो उन लोगों ने, खादी वालों ने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो आई थिंक वो भी YSL Libre के ही कॉपी में बनाया होगा उन्होंने, बट इट वॉज़ रियली नाइस। और ये भी वैसे ही है, इट इज़ टू मी, इसमें जो मुझे 3 फ्रेग्रेंसेस समझ आती हैं वो हैं, एक तो लेवेंडर फॉर श्योर, देन वनीला क्योंकि स्वीट स्वीट सा है लेवेंडर, और देन इन द बेस नोट्स जो समझ आता है वो समझ आता है वुडी, बिकॉज इट्स अ ड्राई फ्रेग्रेंस। ड्राई फ्रेग्रेंस है अगर मैं इसको डिफाइन करूँ, फ्लोरल है, ग्रीन फ्लोरल है और लेवेंडर की कोजनेस है, वार्म्थ है, और ड्राई वुडी टाइप की फ्रेग्रेंस है बेस में। और थोड़ा सा बेस में जो है ना वो जो चुभने वाली स्मेल होती है एक छालिया जैसी वो आती है, बट आई थिंक दैट इज़ बिकॉज ऑफ सीडर एंड एम्बरग्री कम्बाइंड। और ड्राई सी फ्रेग्रेंस है बिकॉज ऑफ वुडी नोट्स इन द बेस एंड दैट मस्क नोट इन द बेस। और जो मिडिल नोट्स में ऑरेंज ब्लॉसम और जैस्मिन है वो इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, क्योंकि लेवेंडर की जो खुशबू है इट इज़ ओवर पावरिंग दीज टू स्मेल्स। और इट्स जस्ट लाइक फ्लोरल,
जब आप शुरू में सबसे पहले स्प्रे करते हैं तो सबसे ज़्यादा लैवेंडर की खुशबू आती है विद मस्क और समथिंग ड्राई लैवेंडर की, थोड़ा सा स्वीटनेस के साथ. देन आफ्टर अ वाइल इट बिकम्स मोर फ्लोरल. तो आई थिंक जो आफ्टर अ वाइल इट बिकम्स फ्लोरल इट्स बिकॉज जैस्मिन एंड ऑरेंज ब्लॉसम इट बिकम्स मोर ग्रीनर और थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन सा गार्डन टाइप हो जाता है. एंड देन उसके बाद जो बेस नोट्स होती हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग वनीला है और इसके साथ इसमें सेडर वुडी स्मेल आती है. डेफिनेटली यू कैन डेफिनेटली स्मेल द वर्ड्स इन इट. और वनीला तो ओवरऑल ही आता है और लेवेंडर भी ओवरऑल ही आता है. तो इस तरह की है, बस शुरू में थोड़ा सा. अच्छा, इसमें जिस तरह मैंडरीन ऑरेंज लिखा हुआ है तो आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो एडिंग इन टॉप नोट्स स्वीटनेस और फ्रेशनेस. फ्रेश परफ्यूम है ये और काफ़ी सॉफ्ट फेमिनिन परफ्यूम है. अच्छा, सॉफ्ट परफ्यूम तो है, पाउडरी भी है, बट इट इज़ लीनिंग टूवर्ड्स मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस बिकॉज इसमें कुछ ऐसी फेमिनिन वाली चीज़ नहीं है. मगर इसमें यह है कि यू बिकम इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस एंड स्टिल इट इज़ अ फेमिनिन फ्रेग्रेंस. सो इट्स लाइक दैट और वेरी वार्म कोजी. वार्म तो नहीं, फ्रेश भी है, फ्लोरल भी है. तो आई थिंक इट्स सूटेड फॉर बोथ समर्स एंड विंटर्स. और लेकिन थोड़ा सा ड्राई है. वनीला परफ्यूम्स मैंने ऐसे नहीं देखे जो इस तरह से ड्राई परफ्यूम्स हों, बट दिस वनीला इज़ ड्राई वुडी और लेवेंडर के साथ उस टाइप का फ्लोरल काइंड ऑफ परफ्यूम है. और लेवेंडर की वजह से इट्स वेरी पाउडरी, वेरी डेलिकेट परफ्यूम और बहुत मेच्योर है. इट्स लाइक ऑफिस वेयर के लिए अच्छा है और किसी पार्टी शार्टी के लिए नहीं है, ये प्रोफेशनल गैदरिंग्स के लिए है, फॉर्मल गैदरिंग्स के लिए है. तो मोर सो डे परफ्यूम रादर देन द नाइट परफ्यूम आई वुड से. वैसे तो ये बहुत ही मतलब वर्सेटाइल है, आप इसको डे नाइट बोथ यूज़ कर सकते हैं, बट मोर सो इट्स अ डे परफ्यूम. समर्स में तो बेस्ट रहेगा ये और विंटर्स में भी चल सकता है बिकॉज इट्स वेरी फ्लोरल एंड फ्रेश परफ्यूम एंड ड्राई परफ्यूम, बट इट इज़ लाइक कोजी बिकॉज ऑफ दैट लेवेंडर. सो इट्स लाइक दैट एंड आई रियली लाइक इट और आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट. एंड दोज ऑफ यू हु लाइक YSL Libre, गो फॉर इट, इट्स एग्जैक्टली सिमिलर. सो यू गाइज, आई थिंक दैट वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक इट. इफ यू डिड, प्लीज इट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. लेट मी नो इन द कॉमेंट्स बिलो वट काइंड ऑफ वीडियोज यू लाइक टू वॉच ऑन दिस चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.